राइट, तो जैसे कि हमने पहले सब पेपर पढ़े डिस्कस कर लिया था कौन सा एमपी क्वेश्चन है, तो ये अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर रहे हैं राइट। और पूरा प्लेलिस्ट में मैंने क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट नोट सब एक्सप्लेन करा दिया, आप चेक कर सकते हैं ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स और स्टार्ट करते थे। सबसे पहले क्या आएगा तुमको ऑब्जेक्टिव्स में मालूम है क्या? कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आएगा राइट। तो मेरे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में आने के चांस है और मैं एक्सप्लेन करा था राइट। तो सबसे पहले क्या दिया क्यूरम, तो क्यूरम क्या होता है मालूम है क्या? क्यूरम मतलब होता है मिनिमम नंबर शुड बी प्रेजेंट इन दी मीटिंग फॉर प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। अगर मान लो टोटल सीट 100 है मीटिंग में, तो क्यूरम लोग सेट करेंगे, मतलब मिनिमम कितने 10 मेंबर आना चाहिए। अगर 10 मेंबर आएंगे तो मीटिंग स्टार्ट होएगा, प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा। 10 से कम आए तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं क्यूरम। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन ऑर्डर टू एनेबल हेल्प द कंडक्ट ऑफ मीटिंग इज कॉल्ड क्यूरम। इफ ए मीटिंग फॉल शॉर्ट ऑफ द क्यूरम इट कैन नॉट बी कंडक्टेड। अगर मेंबरशिप कम हो गया मतलब मेंबर नहीं आ पाए तो कैंसिल हो जाएगा मीटिंग। ओके देखिए पढ़ना है। स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है? अब परमानेंट मतलब स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है मतलब कंपनी में ना जो भी अफेयर्स होते हैं वर्कर के रिलेटेड, तो एक मेंबर को अपॉइंट कर देते ताकि जो भी वर्कर लोग का प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व करेगा, कंपनी का जो भी दिक्कत रहेगा। तो इट इज़ ए परमानेंट कमेटी, ग्रुप ऑफ पीपल रहता है, इस कॉल्ड स्टैंडिंग कमेटी। इट इज़ एम्पावर टू टेक मैनेजमेंट डिसीजन, जो मैनेजमेंट का डिसीजन लेने में हेल्प करता है राइट। ये पढ़ना है। नेक्स्ट इज गिवन एजेंडा। ओके तो एजेंडा क्या होता है? व्हाट इज़ टू बी डन, मतलब क्या मुद्दे पे डिस्कशन होगा। एजेंडा ऑफ मीटिंग इज लिस्टेड प्रोग्राम, लिस्टेड प्रोग्राम मतलब क्या क्या एक्टिविटी ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस में क्या क्या मुद्दे पे डिस्कशन होगा, क्या क्या काम करना है। टू बी डिस्कस एट द मीटिंग, मतलब किस चीज़ पे मुद्दे पे डिस्कशन होगा। सेक्रेटरी अलॉन्ग विद द चेयरपर्सन ड्राफ्ट द एजेंडा, तो एजेंडा कौन बनाता है? चेयरपर्सन और सेक्रेटरी मिलके एजेंडा बनाते हैं कंपनी के लिए कि क्या क्या आइटम पे डिस्कशन होना चाहिए मीटिंग पे। और रिजोल्यूशन मतलब होता है डिसीजन, जो डिसीजन लिया जाता है ना मीटिंग में उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। रिजोल्यूशन इज ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन मतलब राय मशवरा बाय सिंपल मेजोरिटी, मतलब जो लोग मीटिंग में मौजूद है उनका जो राय मशवरा रहता है उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। अभी नेक्स्ट ये रिपोर्ट्स, तो व्हाट इज रिपोर्ट? अ बिजनेस रिपोर्ट इज एन ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन, एक फैक्ट रहता है, रिपोर्ट रहता है जिसमें इंफॉर्मेशन रहता है, विच सर्व्स सम बिजनेस पर्पज, ताकि बिजनेस क्या करना है, कैसे प्रोजेक्ट को पूरा करना है, वो सब रिपोर्ट मेंशन रहता है राइट। अभी ये एग्जाम में कंफर्म आएगा। फ्लायर्स क्या दिया है? फ्लायर्स, थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना तो इसके लिए थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, चलो ध्यान दो। फ्लायर, तो फ्लायर क्या है? एक प्रोमोशनल मटेरियल है, मतलब क्या होता है, एक तरफ से आप बोल सकते हैं कूपन है, मतलब एक क्या होता है, एक पैम्पलेट होता है राइट। इट इज़ ए प्रोमोशनल मटेरियल, इट इज़ ए मार्केटिंग टूल, एक टूल जैसा इस्तेमाल करता है कंपनी टू रीच आउट दी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, ताकि कस्टमर को वो पैम्पलेट, जैसे न्यूज़पेपर में नहीं कि ऐड आता है वैसा ही कुछ रहता है। यूजुअली लोकेट इन स्पेसिफिक एरिया, अ फ्लायर इज यूजुअली ऑफ वन पेज, एक पेज का रहता है, एंड इंसर्ट इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। सिंपल, किधर रहता है वो? न्यूज़पेपर मैगजीन में डालते हैं ना, आप देखे रहेंगे ऐड आता है तो उसको बोलते फ्लायर्स। ओके, अट्रैक्टिव पेज रहता है। अभी स्काइप, तो स्काइप तो आप तो मेरे से अच्छे से जानते हैं, इट इज़ ए एप्लीकेशन, एक ऐप है जो क्या प्रोवाइड करता है, वीडियो चैट कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, यूज़र में एक्सटेंड सच डिजिटल डॉक्यूमेंट मतलब इमेज टेक्स्ट वीडियो अपन शेयर कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सअप कैसे हैं वैसे ही स्काइप एक सॉफ्टवेयर है। एक ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये हाउस ऑर्गन, मतलब एक कंपनी के अंदर के लोग होते हैं, कंपनी के अंदर का ग्रुप होता है उसको हाउस ऑर्गन्स बोलते हैं। और पीरियोडिक पब्लिकेशन, मतलब टाइम टू टाइम क्या करते हैं लोग, पब्लिश करते हैं डेटा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंपनी क्या प्रोग्रेस कर रही है, क्या अच्छा हो रहा है कंपनी में, क्या बुरा हो रहा है, विच हेल्प्स टू इन्फॉर्म एंड एजुकेट द एम्प्लॉइज, मतलब ये एजुकेट्स को इतला करता है कि कंपनी में क्या चल रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं हाउस ऑर्गन। तो रिपोर्ट क्या है? बिजनेस रिपोर्ट अभी पढ़ लिया तो वापस आ गया। एक ये टॉपिक है वेबिनार, तो वेबिनार क्या होता है मालूम है? इसमें दो वर्ड है अंदर छुपा, एक वेब और एक सेमिनार। तो वेब और सेमिनार से बना वेबिनार, तो वेब मतलब ऑनलाइन, सेमिनार मतलब मीटिंग। इट इज़ अ लाइव मीटिंग होता है दैट टेक्स प्लेस ओवर द वेब, मतलब एक लाइव मीटिंग होता है जो इंटरनेट पे होता है यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। इट इज़ एन इंटरेक्टिव एंड अलाउस पार्टिसिपेंट टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। क्यों आए मीटिंग में? टाइम पास करना है कि नहीं? डिस्कस समथिंग स्पेशल इन्फॉर्मेशन अबाउट दी सब्जेक्ट मैटर। ओके, और ऑनलाइन इंटरव्यू तो तुमको मालूम है राइट, जो इंटरव्यू ऑनलाइन कंडक्ट होता है, जैसे कोरोना के टाइम लॉकडाउन के टाइम ऑनलाइन इंटरव्यू था, तो ऑनलाइन इंटरव्यू कहाँ कंडक्ट कर सकते हैं? कंपनी एम्प्लॉय से स्काइप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये तुम्हारा क्या हो गया मालूम है? ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया। और पाँच मार्क का मैच द फॉलोइंग आएगा, और भी है ग्रुप डायनामिक, ये तो कंफर्म आएगा। तो ग्रुप डायनामिक रेफर्स टू प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड अल्ट्रेशन विच हैपन्स इनसाइड द ग्रुप, मतलब ग्रुप में क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है।
मतलब क्या उनका काम किस तरह से चल रहा है। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स एंड विद इन दी ग्रुप, मतलब मेंबर लोग का आपस में कैसे रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं ग्रुप डायनामिक। और क्लोज क्वेश्चन इन इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में कैसे क्लोज क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लोज क्वेश्चन मतलब जिसका सवाल का जवाब येस और नो होता है, येस और नो होता है उसको क्लोज क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन विच आर स्पेसिफिक आंसर आर कॉल्ड क्लोज क्वेश्चन। दे मे ऑल्सो बी येस और नो टाइप। क्लोज क्वेश्चन आर यूजली रिलेटेड टू सब्जेक्ट, मतलब इंटरव्यू में जो सॉल्व करेंगे सब्जेक्ट के रिलेटेड, तुम्हारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये सब। ओके तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। अभी मैजर फॉलिंग है कुछ मेरे पास, इस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इंटरनल पब्लिक रिलेशन ओपन हाउस के थ्रू होता है। व्हाट्सअप टेक्निक क्या होता है, सिलेक्शन के लिए होता है। प्रमोट सेल्स के लिए डिस्काउंट देना पड़ता है। कॉन्फ्रेंस एक स्पीकर होता है, कीनोट। डिसीशन जो मीटिंग में डिसीशन लिया जाता है उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। स्काइप क्या है, वीडियो चैट एक सॉफ्टवेयर है। एग्जिट इंटरव्यू मतलब बंदा जॉब छोड़ के जा रहा है। इंटरेक्शन एट टाइम ऑफ लिविंग दी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स लेटर में क्या होना चाहिए, एडा होना चाहिए, एक्शन इंटरेस्ट डिजायर है ना ये सब। ओके आरटीआई क्या है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। कौन बनाता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। एक्सटर्नल पीआर पब्लिक रिलेशन को प्रेस रिलीज। तो कुछ मैजर फॉलोइंग भी दे दिया है, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे हो जाएगा राइट। अभी मेन बात क्या है ना तुम्हारे लिए, अब सुनो अच्छे से। जो बैफ वाले का पेपर तो 75 मार्क का राइट, बट बीकॉम वाले को 100 मार्क है। तो पहला समरी राइटिंग कैसे लिखने का पूरा प्लेलिस्ट में दे दिया है, नोटिस आएगा कंफर्म, एकदम नकली एकदम आसान तरीके से बना दिया है। जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लो डिस्क्रिप्शन में। आप लोगों को क्या लिखना है, रिपोर्ट। तो इधर बिजनेस प्रपोजल और रिपोर्ट, तो रिपोर्ट तैयार करना, कमेटी रिपोर्ट, लेटर ऑफ इंक्वायरी, कंप्लेंट्स, एडजस्टमेंट लेटर, ये सब आने वाला है। ये भी इजी है, सब करा दिया हो, बस तुमको रीड करना है। सबके ऊपर 5-5 मिनट का वीडियो बनाया हूँ ताकि शॉर्ट में बच्चे लोग को हो जाए, बोरिंग भी ना लगे। मतलब 1 घंटे में पूरी किताब हो जाएगी, मतलब सुन लेंगे तो याद भी हो जाएगा, एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। शॉर्ट नोट्स 4 लिखने का ऐसे टाइप सब दे दिया हो, और अभी तुम्हारे लिए ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा दिया राइट। ये बिजनेस कम्युनिकेशन का फॉर्मेट था, तुमको समझा दिया, ऑब्जेक्टिव्स भी हो गया राइट। बस इतना ही बोलना है, पेपर खाली छोड़ेंगे तो केटी लगेगी, तो यूनिवर्सिटी को कमाने का मौका नहीं देने का। मस्त में अच्छे से प्रैक्टिस करो, पूरा पेपर भरो, पास हो जाओ, एसवाई के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। और भी जो भी रहेगा मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।